अंग्रेजों की हुकूमत से जूझने के लिए और गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए तमाम हिंदुस्तानी वतन के सिपाही बन चुके थे। कुछ जाने पहचाने, कुछ बेनाम और कुछ गुमनाम। आजादी का सपना तो सभी देख रहे थे, मगर एक सिपाही का सपना कुछ अपना ही था। उसकी गुलामी की जंजीरें अलग थी और उसकी आजादी की देवी की मूरत भी अलग थी। वो गुमनाम जरूर था, मगर बेनाम न था। उसका नाम था रंजीत सिंह चौधरी। रंजीते, ओ रंजीते, रंजीत क्या कर रहा है? स्कूल नहीं जाएगा? तुझे क्या करना है, तू जा अपना काम कर। मगर तू कर क्या रहा है? तारे तोड़ रहा हूँ। किस लिए? इनमें से अंग्रेजी सरकार का हुक्म चलता है, तारे तोड़ दूंगा, हुक्म चलना बंद हो जाएगा। ऐसा मत कर रंजीते। तू जाती है कि नहीं? जाती हूँ। पहले बोल, छुट्टी के बाद स्कूल के बाहर मिलेगा ना? हाँ हाँ, अब जा। रंजीत, पुलिस। अरे ओ छोकरे, अरे मैंने कहा भगत सिंह जी, अबे नीचे आ जाओ। हवलदार, देश के सिपाही चल के पुलिस के पास नहीं आते, पुलिस उनके पीछे आती है, तुम आ जाओ ऊपर। थैंक यू। अरे मैं ऊपर आ गया तो मार मार के तेरी हड्डियों का सुरमा ना बना दूंगा। चल नीचे उतर। अब बोल, क्या कर रहा था ऊपर? अंग्रेजी सरकार की जड़ें काट रहा था। साली का सारा काम उल्टा है। पेड़ की जड़ें जमीन में होती हैं, तो इसकी जड़ें आकाश में हैं। अबे तू मक्खन किसान का छोरा है ना? आता पता पूछ कर क्या करोगे हवलदार? मैंने जुर्म किया है, ले जाकर बंद कर दो मुझे जेल में, जैसे भगत सिंह को किया है। थैंक यू। भगत सिंह के तुम छल्ले, उठा अपनी किताबें और भाग जा स्कूल को। मेरे हाथ से तो बच गया, अगर स्कूल देर से पहुंचेगा तो मास्टर इतना मारेगा कि थैंक यू। और अगर सरकार को पता चल गया कि तुमने मुझे पकड़ कर भी जेल में बंद नहीं किया, तो इतना मारेगी। भागता है कि नहीं यहां से? थैंक यू। थैंक यू। ए रंजीत, इधर आ मेरे पास। एक तो देर से आता है, फिर जाके वहां बैठता है। जाके पीछे बैठ अपने लोगों में। क्यों मास्टर जी, ये लोग अपने नहीं है क्या? कितनी बार कहा है, बैठने क्या करते, जाके पीछे बैठ। मास्टर जी, आप हमेशा मेरे सर पे क्यों मारते हैं? तेरे सर पे इसलिए मारता हूँ कि शायद मेरे मारने से तेरी खोपड़ी में कुछ अकल घुसे। मास्टर जी, आपकी अकल आपके हाथ में है जो निकल कर मेरी खोपड़ी में आ जाएगी। चुप रहो, क्या ही करते हो, अपना काम करो चुपचाप, जाके पीछे बैठ जा, बड़ी बातें करता है। बेटा सुमित्रा, तुम क्यों वहाँ जाके बैठ गई? तुम्हारी जगह तो आगे है। जी नहीं, मैं रंजीत के पास ही बैठूं। बेटा जिद मत करो, बड़े ठाकर साहब ने खबर पड़ गई तो मारी तो सहमत आ जाएगी। पता तो चल ही जाएगा, मैं ही बता दूंगा मामा जी से। ना ना बेटा, स्कूल की बात घर जाके नहीं किया करते। पढ़ो पढ़ो, अपना काम करो, लिखो। दिखा रहा है मुझे, कल तो ठीक करता हूं मैं, चल मेरे साथ।
दे भाई माखन, लगा ले स्याही, लगा दे इस कागज पे अंगूठा। मुनीम जी, पिछले बार की लगी स्याही बड़ी मुश्किल से धो धो के निकाली थी, आज फिर लग गई। माखन, भाई बाप, जिस कागज पर अंगूठा लगाया है देख लिया ना उसमें क्या लिखा है? मैं तो लिखे सबक की तरफ देखते ही नहीं मालिक, जब जब देखा जमीन का एक टुकड़ा चला गया, अब तो लिखे सबक से नफरत सी हो गई है। तू घर क्यों नहीं चला जाता? घर जाऊंगा तो बापू लात मार कर निकाल देगा। फिर यहीं बैठा रहेगा क्या? गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, आएगी तो चला जाऊंगा। कहाँ? मामा जी के यहाँ, अब मैं वहीं रहकर पढ़ाई करूंगा, एकदम बड़ा हो जाऊंगा जब भी वापस आऊंगा। पर तू वापस तो आएगा ना? जरूर। और सुन, माँ से कह देना मैं मामा जी कहाँ चला गया, चिंता ना करे। और देख, माँ को रोने नहीं देना।
माखन किसान की कोई खबर? माखन? माखन तो आज सुबह ही मर गया। रणजीत, तू तो था नहीं। माखन के संस्कार के लिए तेरी माँ ने कुछ पैसे लिए थे। अंगूठा लगा दे यहाँ। क्यों, बापू का अंगूठा नहीं चलेगा? जाते जाते एक बार और लगवा लो। लिया अपने बाप का हिसाब, आज माखन जिंदा होता तो कितना खुश होता। मौत के आगे किसका जोर चला है। खैर, अब अपने बाप की जमीन जायदाद संभालोगे तो यह हिसाब भी तुम्हें ही चुकाना होगा। क्यों नहीं ठाकुर साहब, मेरे बाप ने मेरे दादा का हिसाब चुकाया होगा, दादा ने अपने बाप का हिसाब चुकाया होगा, उसके बाप ने अपने बाप का हिसाब चुकाया होगा, और आज मेरा बाप विरसे में यह हिसाब मेरे हिस्से में छोड़कर चला गया। लेकिन मेरी औलाद को यह हिसाब नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं ये सिलसिला खत्म करके मरूंगा ठाकुर साहब। कल नाम काल का है बच्चे, आज की बात करो। अगर ये जमीन रखना चाहते हो तो ये रुपया अदा करना पड़ेगा। जमीन तो हर हाल में हमारी रहेगी ठाकुर। क्यों? क्योंकि जमीन उसी की होती है जो उसमें फसल उगाता है। ये किताबी बातें किताबों में बंद रहेंगी। जमीन हमेशा से जमींदार की रही है और जमींदार की ही रहेगी। कभी जमीन से बात की है ठाकुर? जमीन हमारी माँ है। माँ कहती है, मेरे बच्चों एक दाना मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हें एक का हजार करके दूंगी। और एक से हजार करती है किसान की मेहनत। और किसान को उसका मेहनताना जमींदार से मिल जाता है। इस शक्ल में जमींदार? ये मिट्टी रेगिस्तान की है, कभी इसको हाथ से छूकर देखा है? यहां बरसात के पानी से सिंचाई कम होती है, किसान के पसीने से ज्यादा। मगर किसान को आज तक क्या मिला है? भूख, कर्ज, गुलामी। आपने तो अपनी तिजोरियां भर ली इस मिट्टी से। तुम हद से बढ़े हो रंजीते। रंजीत सिंह चौधरी कहो ठाकुर। फिर मिलूंगा। मुनीम जी। जी सरकार। ये छोरा मुसीबत बनकर आया है। हमारे लिए और पूरी बस्ती के लिए। और अपने आप के लिए भी सरकार। इसे रोकना होगा मुनीम जी। नमस्कार गोपी दादा। गोपी दादा, लगता कहीं देखा है और नहीं भी देखा। दोनों ही बातें ठीक है गोपी दादा। जो आप देख रहे हो पहले नहीं देखा था, और जो पहले देखा था फिर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि वो बचपन तो लौट कर नहीं आ सकता। बचपन? थैंक यू।
मेरे हाथ से तो बच गया। स्कूल में देर हो गई तो मास्टर वो मारेगा वो मारेगा। अरे रंजीत ने अरे इतना बड़ा हो गया। अरे हाँ गोपी दादा, समय का धारा तो नदी का बहाव है, एक किनारा घट जाता तो दूसरा किनारा बढ़ जाता है। थैंक यू, बड़ी उच्ची बातें करने लग गया, बहुत किताबें पढ़ गया। अरे अब ये किताबें ही अपने लोगों को जीना सिखाएंगी दादा। अरे यही बात आकर एक दिन मेरे मोहन को सिखा दे। मोहन मेरा बेटा है, कंबक घोड़े इतना बड़ा हो गया मगर किताब के नाम से ऐसे भागता है जैसे पुलिस के नाम से चोर। माँ के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया। अरे वो तो जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई। बरसों से तीन तीन ड्यूटियां निभा रहा हूं, एक तो ये पुलिस की, दूसरे बाप की और तीसरे माँ की। नमस्कार मास्टर जी। मैं हूँ शक्ति सिंह। मेरे साथ जसवंत सिंह और भैरव सिंह भी आए हैं। अच्छा अच्छा, पधारो पधारो। माफ कर रहे हो, आंखों से दिखे कोनी तो तुमने पछाड़ नहीं सकया। वही तो मुसीबत हो गई ना मास्टर जी, आप पढ़ा नहीं सकते, स्कूल बंद हो गया, आपकी तनख्वाह भी बंद हो गई। जब काम ही नहीं कर सकता तो तनख्वाह किस बात की। इतना ही नहीं मास्टर जी, बड़े ठाकुर तो कह रहे थे कोई नया मास्टर मिल जाए तो आपको ये मकान भी खाली करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बड़े ठाकुर इतने कठोर नहीं हो सकते। मास्टर जी बात तो आखिर सारी आमदनी पर आ गई ना, आप काम नहीं कर सकते, तुलसी तो कर सकती है। विचार तो अच्छा है, क्यों तुलसी बेटा? मैं नहीं जाऊंगी बापू। क्यों? हवेलियों की चार दीवारी में क्या होता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, मैंने इन्हें पढ़ाया है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं ये तो। तू एक बार हाँ कह दे तो सारी मुश्किल दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ बापू, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तो तू क्या चाहती है बेटा, कि इस बुढ़ापे में अंधा लाचार मैं गली गली भीख मांगू? बापू ऐसा ना कहो बापू, अगर तुम मुझे हवेली भेजना ही चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। चलो चलो बहुत हुआ चलो। अरे सुखिया चाचा, सुखिया चाचा, ये सब सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? मालिक ने हमारे घर जमीन सब पर कब्जा कर लिया है। आओ मेरे साथ। जी, कब्जा लेने के लिए कोर्ट कचहरी से कागजात लाए हो? जालिम सिंह अपनी कार्रवाई पूरी करो, बोल लो बैलों की जोड़ी। खबरदार जो कदम आगे बढ़ाया, देखता हूं किसकी मजाल है जो बैल ले जाए, हाथ तोड़ के रख दूंगा। ये बैल किसान के दो हाथ हैं और ये नीचे पड़ा हुआ हल किसान का कलम है जो धरती के सीने पर अपनी तकदीर की लकीरें खींचता है। तकदीर की लकीरें? अरे किसान की तकदीर तो इन्हीं बही खातों में लिखी जाती है। इन्हीं बही खातों पर तो नजर है मेरी, जिसके हिसाब किताब ने गरीब किसान को गुलाम बना रखा है। अब वो दिन दूर नहीं मुनीम जी जब किसान जाग उठेगा और इन बही खातों समेत तुम सबको जला के राख कर देगा। जालिम सिंह चलो ले चलो बहनों को। किसकी मौत आई है? सरकार। मुनीम जी हुकुम, आप अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाइए, सुखिया यही रहेगा। पर वो तो बड़े ठाकुर का हुक्म है। इसे बड़े ठाकुर का हुक्म ही समझो मुनीम जी, वो जमींदार हैं, इस जमीन के मालिक हैं, साथ ही साथ किसानों के इस कुंभे के सरपरस्त हैं, बाप हैं। और बाप अगर बच्चों की परवरिश करता है तो नालायक बच्चे के मुंह पर थप्पड़ भी मार सकता है, और नालायक बच्चे को उस थप्पड़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये रात रात भर क्या पढ़ते रहता है बेटे? ये किताब ही ऐसी है मां, जानती इसका नाम क्या है? मदर, माँ। माँ की कहानी है? हाँ माँ,
ये उस माँ की कहानी है जो दुनिया के करोड़ों मजबूर और लाचार बच्चों की माँ है, जो उन्हें अपने दूध और खून से पालती रही और खुद सदियों सदियों से पिसती आ रही है। मर्द की जुल्म तले, धनवान की जुल्म तले, समाज की जुल्म तले। बेटे, जब तू इस तरह की बातें करता है ना, तो लगता है मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानती। तू मेरा रंजीत नहीं, कोई अजनबी है। तू ठीक कह रही है माँ, तेरा रंजीत तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उस जिम्मेदार ने तेरे सर पर जूते रखवाए थे। माँ बेटे, बेटे। ये मेरी इज्जत। ए शरीफ जादे, रुक जा भाई। तुमसे मतलब? इससे पहले कि तेरा हाथ किसी लाचार के आंचल तक पहुंचे, मेरा हाथ तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो, ठाकुर शक्ति सिंह को? ओहो, ये शक्ति सिंह है। मैं खाली धमकी नहीं देता। यकीन ना हो तो स्कूल के दिन याद कर लो, उस बाज की लाश को याद कर लो जो मुर्गी के चूजे पर झपटा था। रंजीता, बापू, बात क्या है? जिन शरीफजादों को आप बचपन से जानते हैं वो अब बच्चे नहीं रहे। मास्टर जी, इस मटके में अपने लोगों का ही पानी है ना? क्यों बेटा? डरता हूँ कहीं मैंने गलत मटके से पानी ले लिया तो आप सर पे ना मार दे। तो रंजीत है ना रे? हाँ मास्टर जी। कब आया बेटा? अब तो यहीं रहेगा ना? हाँ मास्टर जी, मैं भी यहीं रहूंगा और आप भी यहीं रहेंगे। स्कूल फिर से शुरू होगा, अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। सच बेटा? आपके आशीर्वाद से अब आपको घर खाली करने की भी जरूरत नहीं। तुलसी भी स्कूल में छोटा मोटा काम कर लेगी, अब इसे किसी हवेली में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीता रहो बेटा, जीता रहो। ओ रंजीत, कहाँ जा रहा है तू? स्कूल जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। किस लिए? पढ़ने के लिए। और किस लिए? तू पढ़ेगी? फीस दूंगी, फीस ऐसे वैसे नहीं। हाँ मोरा, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों में बैठ कर पढ़ती हो, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तू भी तो ऊँट जितना बड़ा हो गया, तुझे बच्चों को पढ़ाते हुए शर्म नहीं आती? देखो मैं मास्टर हूँ मास्टर, तू नहीं चलेगा। पहले पढ़ लिख जाऊँ फिर अच्छा अच्छा बोलूंगी। पहले पढ़ा तो दे तू। फिर तू? अच्छा मैं मास्टर बोलूंगी, मास्टर जी बोलूंगी थारको। हाँ तो बच्चों उसके बाद मोरा वो नहीं जी जी। इधर आओ मोरा, आहिस्ता आए। ये चौक लो और बोर्ड पर लिखो मौसी। चलो, इतने दिन हो गए एक शब्द लिखना नहीं आता। क्यों नहीं आता मुझे? सब कुछ आता है। ये क्या लिख रही हो? खामोश। मैंने तुमसे मौसी लिखने के लिए कहा था और तुमने रंजीत लिख दिया। क्या हो गया तुम्हें? यही एक नाम लिखना सीखा है मैंने, इसके अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं आता मुझे। ओहो जरा धीरे चलो, देखो मैं पीछे रह गई। साथ चलना हो तो कदम मिलाकर चलो, हम अपनी चाल नहीं बदलेंगे। इसी मंदिर के बारे में कह रही थी तुम? हाँ, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाते हुए यहीं रुके थे। अच्छा? उनके यहाँ आने से रेगिस्तान में फूल खिल गए थे, बीमार अच्छे हो गए थे और कुरूप स्त्रियां भी सुंदर हो गई थी। तुम्हारा मतलब और ज्यादा सुंदर हो गई थी है ना? कौन हो तुम लोग, किस लिए आए हो यहाँ?
वाह, चोरी तो सूर्यवंशी ठाकरों की दिखे है। ये सोने का चमकता हुआ सूरज जो दो घाटियों के बीच झांक रहा है, ये हार उतार के मुझे दे दे छोरी। हार उतार ले बख्शो। ठहरो, जिस माई के लाल ने सूरज भान के आदमियों पर गोली चलाने की हिम्मत की है, उसकी पहचान किए बिना हम उसे मरने नहीं देंगे। ये रंजीत सिंह चौधरी है गुरु, इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। मास्टर, बहुत खुश नसीब हो क्योंकि जिंदगी में हमने माँ के अलावा किसी की इज्जत की है तो वो गुरु की। इतने ही ऊंचे विचार हैं, ये रास्ता क्यों इख्तियार किया? तो कुत्तों ने ये रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। एक जमींदार और दूसरा साहूकार अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। मगर जमींदारी और साहूकारा वहीं के वहीं है। दो आदमियों की जान लेने से समाज नहीं बदल जाता। बात तो बहुत ऊंची करते हो मास्टर, अब यह भी बता दो कि क्या करना चाहिए। लूटो तो किसी एक को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि 50 इंसानों को आबाद करने के लिए। गोली चलाओ तो एक की जान लेने के लिए नहीं, 50 जाने बचाने के लिए। हाथ उठे तो इसलिए कि सदियों से पिसती हुई इंसानी जिंदगी फिर से सर उठा सके। मास्टर, तुम्हारी कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं। जो समझ में नहीं आती उसके लिए ये किताब ले जाओ, पढ़ लेना। मां, गुमबख्त सूरज भान तो बचकर निकल गया पर अपना ये बैग छोड़ गया। हवलदार, बैग पे कड़ी नजर रखना। इस किताब को पहचानते हो? पहचानता हूं। ये किताब तुमने फतेहपुर की लाइब्रेरी से ली थी ना? ली थी। फिर ये किताब डाकू सूरज भान सिंह के बैग में कैसे पहुंच गई? ये किताब उसे मैंने दी थी। अब ये भी बता दो कि तुम सूरज भान के गिरोह में कब से हो? लक्ष्मणगढ़ वाली डकैती का माल कहां छुपा है और इन दिनों सूरज भान सिंह का पड़ाव कहां है? सूरज भान के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो ये किताब पढ़ना चाहता था और मैंने उसे ये किताब दे दी। रंजीते, शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम जैसे लोगों से सच बुलवाने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के लिए ही ये वर्दी तुम्हें मिली है। रंजीते, तुम पुलिस की वर्दी पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हो। मत भूलो कि इस वर्दी के साथ कानून की डोर भी बंधी हुई है। किस कानून की बात करते हो तुम? वो कानून जो चांदी के टुकड़ों के एब जमीनों के यहां गिर भी पड़ा है, वो कानून जिम्मेदार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों का सर कुचलने के काम आता है, जो अमीर गरीब जात पात ऊंच नीच का भेदभाव बनाए रखने के काम आता है, जो हमारी जमीन जायदाद बहु बेटियों की इज्जत लूटने वालों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस कदर जहर भरा है तेरे अंदर, कहां से पाया ये जहर? कहने को तू माखन किसान का बेटा है जिसके पुरखे सात पुश्तों से ठाकरों की जमीनें जोतते आए, ठाकरों की चाकरी करते रहे। तू उस माखन का बेटा नहीं हो सकता, जरूर तेरे खून में कुछ फर्क है। क्या बात है? हम सिर्फ ये कहने आए हैं
बड़े ठाकुर ने तुम लोगों को बेदखल कर दिया है। मुनीम जी, ये सरकार अपने आदमी से कहो घर का कब्जा ले ले। कभी नहीं, कभी नहीं। पहले मेरे हाथी उठाना, फिर इस घर का कब्जा लेना, फिर इस घर का कब्जा लेना। चले जाओ, ये मेरे बच्चे की अमानत है। पहले मेरी अर्थी उठाना, फिर कब्जा लेना। चले जाओ, पहले मेरी अर्थी उठाना, फिर मेरे घर का कब्जा लेना। मौसी, मौसी। लगता है बुढ़िया पगला गई सरकार। अरे इसे अपने कर्मों को रो लेने दो। मुनीम अभी चलो, चार दिन में आकर कब्जा ले लेना। बाबा साहब। आओ बेटे, लो थोड़ा शरबत पी लो, गुलाब का है, दादाजी ने उदयपुर से भिजवाया है। प्यास तो है मगर पीऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी प्यास का वास्ता देकर आपसे कुछ मांगने आई हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमसे पाने के लिए बिटिया रानी को अपनी प्यास का वास्ता देना पड़े? रंजीत को उनका साइयों के हाथ से छुड़वा दीजिए। मगर बिटिया रानी, आप तो ये बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि पुलिस और कानून के मामले में दखल देने का हमें कोई हक नहीं। ये बात आप उसे समझा रहे हैं बाबा साहब, जो आपकी आमदनी और खर्चे का हिसाब रखती है, जो अच्छी तरह से जानती है कि हर महीने कितना रुपया किस किस को जाता है। बिटिया रानी, ये बात तो कभी हम अपने आप से भी नहीं कहते, क्योंकि दीवारों के भी कान होते। मैं भी नहीं कहूंगी, आप सिर्फ रंजीत को छुड़वा दीजिए। ठीक है। नहीं, नहीं, ये मेरे बच्चे की अमानत है, मैं इसका कब्जा नहीं दूंगी। नहीं, 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 माँ, माँ, मैं रंजीत हूँ माँ, मैं आ गया हूँ माँ, मैं, हाँ, हाँ, रंजीत, हाँ माँ। आ गया बेटे, बेटे अपनी अमानत। माँ, माँ तू बोलती क्यों नहीं? माँ, माँ अब किसे बुला रहे हो? माँ तो बहुत दूर चली गई। मुनीम जी, जी रंजीत को वहीं रोक दो। वहीं रुक जाओ रंजीत, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। रंजीत होश में आओ। हाल में छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? मैं कहता हूँ तो घर जा ना। बिगड़ता क्यों है? जाती हूँ। अरे शादी तो हर कोई करे है, पर यारी कोई कोई करे है। बेटा, अरे आइए मास्टर जी, आइए। आपने क्यों तकलीफ की? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आपको तो आंखों से सुझाई भी नहीं देता। अरे बेटा, तू तो आंखों की बात कर रहे है। मैं तो ये चाहूँ था कि जो सुनने की ताकत है वो भी ना होती तो बहुत अच्छा था।
गांव वालों की फजूल फजूल बात तो ना सुनता। मैं कुछ समझा नहीं मास्टर जी। अरे बेटा मैं कौन सी पहेली बुझा रहा हूँ जो समझ में नहीं आती। मोरा बेटी थारी खिदमत में दिन रात लगी है, कई रात से घर भी ना गई। गांव वाले पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। दुनिया वाले अपने अपने पाप छुपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछाला ही करते हैं मास्टर जी, उनकी जबान कौन बंद कर सकता है। बेटा तू और कौन? कैसे मास्टर जी? अरे बेटा ये भी मुझे बताना पड़ेगा। मैं चलूं बेटा है? मैं चलता हूँ। हे राम नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। तू आप क्षमा कीजिए जजमान, भगवान इस वक्त विश्राम कर रहे हैं। भगवान को विश्राम करने दो पंडित जी, आप हमारी शादी का इंतजाम कीजिए। जी नहीं अभी इसी वक्त फौरन। किंतु परंतु कुछ नहीं, आप मुझे जानते हैं ना। ये बात आपको कौन नहीं जानता जजमान। तो चलिए शादी का इंतजाम कीजिए। जो आ गया जजमान जो आ गया। तुमने शादी का फैसला कर लिया? हाँ। मुझसे पूछा? तुमसे नहीं, तुम्हारी आंखों से पूछा था। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। बिटिया रानी बड़ी खुशी खबर है, ठाकुर हिम्मत सिंह जी की चिट्ठी आई है, आपका रिश्ता पक्का हो गया है। उन्हीं का बेटा है सुल्तान सिंह, पुलिस का अफसर है। बिटिया रानी ऊंचे से ऊंचा घराना, सच्चा राजपूती खून, और कहते हैं उस जैसा बहादुर दूर दूर तक नहीं है। बावली का पानी जहरीला हो गया होगा, बस्ती के लोगों से कह दो यहाँ से पानी मत ले। मगर जो लोग मुंह अंधेरे में पानी ले गए हैं उनका क्या? बापू बापू क्या हुआ बापू? तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, क्या खा लिया था तुमने? एक लोटा पानी पिया था जो तू बावड़ी से लाई थी। पानी? अब हमारे बच्चे पिएंगे क्या? तो जाओ जाकर जिम्मेदारों की बावली से पानी ले। वो हमें लेने देंगे पानी? वो लोग इतने पत्थर दिल तो नहीं हो सकते कि हमारे बच्चों को प्यासे मरते देखें। जाओ जाकर पानी ले आओ। क्या फर्क होता है?
जी बुरा मत मानिए, आखिर सदियों की परंपरा तोड़ रहे हो, किसी ना किसी को तो गुस्सा आएगा ही। भर लो, फिर भर लो पानी। समझा मैं किसी लड़ाई के फ्रंट पर हूं। फिर इंटरनेट से ही लड़ाई तो जा ली रही है। ये कैसी लड़ाई? बावली जमींदार की है, कोई नीच जात को आदमी पानी लेनो चाहे। अकेला? बिल्कुल एकलो। इसका मतलब पानी के लिए ये लोग उसकी जान लेंगे? हाँ। चल जानी, बहुत दिनों से तुझे भी जंग लग गया और मुझे भी। बस्ती के बच्चों को पानी मिल गया? मिल गया, मिल गया, सब बंदोबस्त हो गया। बस तेरी चिंता थी, तू ठीक हो गया। थैंक यू गोपी दादा, थैंक यू। कुछ मत कहना मास्टर जी, थैंक यू भी नहीं। नहीं कहूंगा दोस्त, मगर अपने अजनबी दोस्त का नाम तो पूछ सकता हूं? नाम जाबर, नंबर 306, जाट रेजिमेंट। कोई शक? जाबर, कोई शक नहीं जाबर, है तो बस इतना कि तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। अपनी ही तरह फंसे हुए किसी मजबूर की मदद कर देना, बदला चुक जाएगा। अरे बड़ी ऊंची बातें करते हो जवान, रहने वाले कहां के हो? रेवासा, फौज से छुट्टी पाकर अपनी जमीन और जानवर संभालने वहीं जा रहा था। रेवासा? अरे तुलसी, तेरे मामा और उनका लड़का भी तो रेवासा में रहते हैं ना? जी हाँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने मामू के यहाँ चली जाऊं, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जाबर, एक एहसान और कर देना मुझ पर, तुलसी को ले जाकर इसके मामा के घर छोड़ देना। कोई शक? लो ये कंबल लो, बहुत सर्दी है। अरे लो ना, कंबल से भी कोई जिद है। और तुम? अरे अपना क्या, हम तो सिपाही हैं सिपाही। कोई शक? अपनी फिक्र करो और मेरी फिक्र छोड़ो। अरे लो, नहीं तो सर्दी में मर जाओगी। मर ही जाऊंगी ना, मुझे रोने वाला कौन बैठा है? कल तक कोई नहीं था, लेकिन अब है। कोई शक?
जीते, अब तबीयत कैसी है? आप सबकी दुआएं हैं गोपी दादा, पहले से अच्छा हूं। मालूम है ना, कल मोहन की शादी है, बारात में चलना होगा। मुश्किल लग रहा है गोपी दादा, वैसे मैं साथ ना भी चल सका, मेरी दुआएं बारात के साथ चलेंगी। सो तो ठीक है मास्टर जी, मोहन को सेहरा बांधे घोड़ी पे बैठे देखते तो थैंक यू। गोपी दादा, तुम मोहन को घोड़ी पर बिठाओगे? क्यों नहीं, दूल्हा बनेगा तो घोड़ी पर नहीं बैठेगा। बरसों से पुलिस की वर्दी पहनकर हुकूमत करते करते शायद तुम भूल गए हो गोपी दादा कि तुम भी हमारी जात के। ये सवारी सिर्फ ऊंची जात वालों के लिए बनी है, हमारे लिए नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो मास्टर जी? इतना ही कि ध्यान रखना, वो लोग मोहन को घोड़ी पर बैठकर जाने नहीं देंगे। बाबा थैंक यू।
चलो भाई। अपनी जात भूल गए? उतार अपने छोरे को घोड़ी से और पैदल ले जा। मेरा बेटा ब्याने जा रिया, वो तो घोड़ी पे ही जावेगा। थैंक यू। जिद ना कर गोपी, अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबा क्यों झगड़ा करते हो, मैं उतर जाता हूँ। नहीं, तू घोड़ी पर ही जावेगा। ठाकुर, मैंने भी 20 बरस पुलिस में नौकरी की है, मैं कानून से अच्छी तरह वाकिफ। कानून की दुहाई कोर्ट कचहरी में देना गोपे, यहाँ वही होगा जो सदियों से होता आया है। आप सुन रहे हैं थानेदार साहब, इनको बताइए कि कानून क्या कहता है। वो ठीक कहते हैं गोपी, तुम्हारा बेटा घोड़ी पर बैठकर यहाँ से नहीं जा सकता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे जाति वालों को घोड़ी पर बैठने का कोई हक नहीं। 20 बरस सरकार की नौकरी करने के बाद मुझे मेरी जात बता रहे हो? थैंक यू। वो लोग क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कानून क्या कहता है। सदियों से चली आ रही परंपरा के सामने कानून को सर झुकाना पड़ता है गोपी। कानून का सर तो कभी नहीं झुकता। हाँ, तुम जैसे कानून के रखवालों का सर जरूर झुक सकता, जो कानून के दरवाजे से ज्यादा अमीरों की चौखट को सलाम करते हैं। जबान को लगाम दो गोपी। आज ना कोई गोपी की जुबान रोक सकता है, ना गोपी के कदम। आगे बढ़ो साथियों, छोरे को घोड़े से उतारो। खबरदार, किसी ने मेरे बेटे को हाथ लगाया तो उसे जान से मार डालूंगा। ले लो साहब।
जवानों से ऐसा सलूक करते हो? चुपचाप चाबियां और गहने हमारे हवाले कर दो। हुकुम, कल रात बड़े मालिक की हवेली लूटी गई, सारा माल ले गए। तुम थाने चलो, हम आते हैं। अच्छा, हुकुम। थानेदार साहब, ये हम डकैती के बारे में क्या सुन रहे हैं? बड़े ठाकुर की हवेली लूट गई हुकुम। आप लोग कहां थे? हम पहुंचे थे हुकुम, लेकिन डाकू भाग गए थे। हमारी पुलिस आम तौर पर उसी वक्त पहुंचती है जब मुजरिम वारदात करके जा चुका होता है। गलत ना समझे हुकुम, हवेली बहुत दूरी पे है और खबर भी हमें बहुत देर से मिली। डाकुओं का कुछ अता पता? सूरज भान का गिरोह। सूरज भान, यहां का कोई बाशिंदा है जो उनके साथ मिला हो? एक है हुकुम। कौन? रंजीत सिंह चौधरी। सूरज भान के साथ उसका ताल्लुक साबित हो चुका है। और वो अभी तक आजाद घूम रहा है? जी जी जी, क्या कर रहे हैं आप, उसे फौरन गिरफ्तार कीजिए। बाकी हम संभाल लेंगे। जी मेरे लिए ना सही, पर अपने होने वाले बच्चे के लिए। मेरे पीठो पवन इस गली हुकुम, वो सूरज भान अपने दो एक साथियों को लेकर झालर आ रहा है। कब? आज रात को। कमबख्त, तुम्हें भी आज ही रात को यह खबर लानी थी। अगर यह खबर गलत निकली, गर्दन कटवा दीजिए हुकुम। बस ये समझ लीजिए कि सूरज भान ने खुद यह खबर दिया मुझे। ठीक है, तुम जीप तैयार करो अभी इसी वक्त। जो हुकुम। अगस्त
पिताजी। अरे गोपी दादा, आज तो ऊपर वाले ने हाथ दे के रख लिया, वरना हम दोनों ने एक दूसरे को मार लिया होता। तो भी क्या होता, हमारे तो साले दो पुलिस वाले जाते। अरे गोपी दादा, ए गोपी दादा, ये देखो, देखो पुलिस की वर्दी, ये गोपी दादा तुम बोलते क्यों नहीं हाँ? क्या हो गया तुम्हें दादा? बोलो ना गोपी दादा, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? तुम चुप क्यों हो गोपी दादा? बोलो गोपी दादा। ना वो थैंक यू, ना वो हंसी, हाँ क्या हो गया है तुम्हें? जाते हुए मोहन सब साथ ले गया मास्टर जी। तुम्हारे जैसा मर्द रोता है तो आसमान का सीना फट जाता है। बस गोपी दादा, बस। मैं रोता नहीं मास्टर जी, पर जब कोई अपना मिल जाता है तो दिल भर आता है। मैंने तो जानबूझकर मोहन का अफसोस भी नहीं किया। उस मासूम को ले जाते वक्त कब वक्त मौत को भी शर्म आ गई होगी। ए मास्टर जी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन चुका हूं, अब आ गए हो। मेरी बंदूक, मेरे हाथ तुम्हारे हवाले, और बना डालो ऐसी दुनिया जिसमें मेरा मोहन घोड़ी पे बैठ सके। हाँ गोपी दादा, ऐसी दुनिया जरूर बनेगी, हम मिलकर बनाएंगे। थैंक यू। तुमसे चार छह जानवर सरहद की तरफ चले गए थे, वापस लेकर आए। थोड़ी देर आराम कर ले, बहुत थक गया होगा। एक शर्त पर। क्या? मैं अपना सर जमीन पर नहीं रखूंगा। चल आ। देख क्या रहा है, आंखें बंद कर और सो जा। आंखें बंद नहीं होती। क्यों? इधर से धूप जो पड़ रही है आंखों में। अच्छा ले, अब चिलमन कर दी, सो जा। एक बात पूछूं तुमसे? हुँ? ये बाल तू कब तक खुले रखेगी? जब तक तू इन्हें अपने हाथों से नहीं बांधेगा। अब तुझे ज्यादा दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा, दो चार दिन में मैं तेरे मामू से बात कर लूंगा। अब तो सो जा। तेरे जानू पे सर रख कर सो जाए, वो तो या बच्चा होगा या फरिश्ता। कोई मर्द का बच्चा सो नहीं सकता।
आइए। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छी खबर है, आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। आपकी तरक्की हो गई। हाँ, तरक्की भी और तबादला भी। हम लोग अब फतेहपुर जा रहे हैं। सच? देखा, फतेहपुर का नाम सुनते ही आंखों में कैसी चमक आ गई। हम लोग अब वहीं रहेंगे। आपको फतेहपुर में रहना अच्छा लगेगा? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम वहां आप इस तरह फतेहपुर की याद में हर वक्त खोई खोई तो नहीं रहेंगी। जो लड़की अभी बाहर गई है, ये रंजीते की औरत है ना? अपने घरवाले का पता पूछने आई थी उसको। वो यही समझती है कि रंजीता अब तक जेल में। आपने उसे बताया तो नहीं कि रंजीता जेल से भागकर बागी हो गया है? नहीं हुकुम, मैं क्यों बताऊंगा? ना तो मुझे उस जंगली जानवर से हमदर्दी है और ना उसके घरवालों से। आप उसे जंगली जानवर कहते? लेकिन हमने तो सुना है कि वो बहुत पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान है। मगर बड़ा सर फिरा है हुकुम। एक बार तो उसने बड़े ठाकुर पर हाथ उठा दिया था, जबकि उसकी सुमित्रा जी, मेरा मतलब है जबकि उसकी मेम साहब से इतनी दोस्ती थी। दोस्ती? गलत मत समझिए हुकुम, आप जानिए कमबख्त दूसरा शब्द जुबान पर आता ही नहीं। मेरा मतलब है दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। छुटपन से एक साथ पढ़े, एक साथ खेले और फिर दोनों को किताबों में बहुत दिलचस्पी थी। आप जानिए एक ही लाइब्रेरी है फतेहपुर में, और फिर वहां तो मिलना जुलना रहता ही था। गोपी हवलदार जो बागी हो गया था, ऐसी थाने का था ना? हुकुम, उसकी फाइल ले गया। अरे आप, अरे आइए, आप यहाँ हैं? मैं तो आपको लाइब्रेरी तक में ढूंढ आया। लाइब्रेरी क्यों? क्योंकि गांव वालों से सुना था कि जब आप कहीं भी ना मिलें तो लाइब्रेरी में मिल सकती हैं। सचमुच लाइब्रेरी मुझे बहुत पसंद है, वहाँ का एकांत, पुरानी किताबों की खुशबू। और उस खुशबू में घुली मिली कुछ पुरानी यादें। पुलिस वाले ही रहेंगे, कभी सीधी बात नहीं करेंगे। टेढ़ी बात भी कौन सी की है हमने? आप मेरे सरताज हैं, आप सीधे भी पूछ सकते थे कि रंजीत से अक्सर तुम लाइब्रेरी में मिला करती थी ना? सच कहिए, यही पूछना चाहते थे ना? जी हाँ, रंजीत को किताबें पसंद थी और मुझे भी, हम अक्सर वहां मिला करते थे। और उससे मिलना जुलना आपको बहुत पसंद है? था मतलब शादी से पहले? जी बहुत, लेकिन जिंदगी तो जिंदगी है, न जाने किस मोड़ पर आकर हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। आपका रास्ता मेरे घर की तरफ मुड़ गया। और उसका बर्बादी की तरफ। आजकल जेल में होगा? जी नहीं, उसे दीवारों से नफरत, हर किस्म की दीवारों से। वो जेल तोड़कर भाग गया है। ये तो उसने बहुत बुरा किया। बहुत ही बुरा, लेकिन पुलिस के लिए कम, अपने आप के लिए ज्यादा।
गोरा तुम कैसी हो? तुम अभी तक पढ़ने आती हो? नहीं, जो एक बार पढ़ लिया हो उतना ही याद रह जाए तो काफी है। तो फिर तुम यहाँ? स्कूल का काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पानी भरती हूँ, टेम टेम पे घंटी बजाती हूँ। अरे 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 ओ, 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 मुरा, ये बच्चा हमारा है, बड़ा प्यारा है, और तुम इसे नंगे फर्श पर छोड़कर चली गई? भूल हो गई, इसका मखमल का गदेला और रेशम का तकिया घर भूल आई हूँ। इतने छोटे से बच्चे को लाई है क्यों? आज इसकी नौकरानी छुट्टी पर है इसलिए। इसकी आंखें और नाक बिल्कुल तेरे जैसे हैं, लेकिन थोड़ी एकदम बाप पर गई है, है ना रंजीत जैसी? मालूम नहीं, मैंने रणजीत की ठुड्डी कभी ध्यान से नहीं देखी। मोरा, तुम समझती हो ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल दुखा सकोगी? मोरा, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, दुख तो तुम अपने आप को दे रही हो। हाँ, मुझे तुम्हारे दुख की तकलीफ जरूर होगी। जब तू इस तरह की बातें करती है तो मुझे ऐसा लगता है तू नहीं, मेरा रणजीत बोल रहा है। इतना और समझ लो मोरा, तुम और मुन्ना मुझे उतने ही प्यारे हो जितने रंजीत को होगे। जब तक रंजीत नहीं लौटता ये सब जिम्मेदारियां मेरी हैं। ये स्कूल भी चलाऊंगी और मुन्ने को भी संभालूंगी। ला, मुन्ना मुझे दे दे, भूखा है। ये तो चिल्लाकर अपनी भूख बता देता है, लेकिन जब उसे भूख लगती होगी तो वो आजा। मास्टर जी। अरे मास्टर जी, नमस्कार गोभी दादा। नमस्ते भाई, दिल खुश हो गया? कोई शक? कहो जब, अच्छे तो हो? मैं तो अच्छा हूँ मास्टर जी, आप सुनाओ, जख्म भर गया? हाँ जब, शरीर का जख्म तो भर गया, आत्मा का जख्म बाकी है। मैं समझता हूं मास्टर जी, आपके बारे में सब कुछ सुन चुका हूं और गोपी दादा के बारे में भी, लेकिन ये नहीं जानता था कि आप दोनों साथ हैं। हर जख्मी एक ही अस्पताल में भर्ती होता है जावर। कोई शक? गोपी दादा, आपके बेटे के बारे में सुना। उन्हीं बलवान होती है जावर, मगर वो हत्यारे एक बार मेरे हाथ में आ गए ना तो उनका थैंक यू। दादा, मैं एक छोटा सा सिपाही हूं, पर कभी भी मेरी मदद की जरूरत दादा को बंदूकें चाहिए जावर। दो चार मेरे पास हैं, मगर जावर कोई शक? बंदूकों की कीमत चुकाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अरे इससे अच्छा तो गाली दे लेते, मुंह पे जूता मार लेते मास्टर जी। कीमत की बात करते वो भी जावर से? अरे जावर दोस्त है मास्टर जी, सौदागर नहीं। कोई शक? जावर, हमें ये जान के बहुत खुशी हुई कि तुम फौजी हो। फौजी जवान जहां अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं वहां उनकी सच्चाई और ईमानदारी पर भी शक नहीं किया जा सकता। कोई शक? तो इतना बता दो कि कल तुम्हारे पास मेहमान कौन आया था? कल? कल तो मैं बिल्कुल अकेला था। अकेला आदमी चार चार कदमों के निशान बना सकता है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। बंदूकें कितनी है तुम्हारे पास? सिर्फ एक। कल तक कितनी थी? सिर्फ एक ही थी। कोई शक? सिर्फ शक ही नहीं, यकीन है। रंजीता और गोपी क्या करने आए थे तुम्हारे पास? क्या नाम बताया आपने?
बनने की कोशिश मत करो जावर, सच उगलवाने के बहुत से तरीके हैं हमारे पास। आप मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं। सिर्फ झूठ बोलने का नहीं, डाकुओं को पनाह देने का, उन्हें हथियार देने का और शायद उनका साथी होने का। एसपी साहब, आप एक फौजी पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी सबूत के। तुम ठीक कह रहे हो जावर, अंधे कानून के दरबार में सच्चाई को भी सबूत की जरूरत होती है। ठीक है, आज तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखो, जिस दिन मुझे सबूत मिल गया उस दिन तुम्हारा ये कोई शक न रह जाएगा। कोई शक करके निकल ही गया साला। इस साले का शक तो निकालना ही पड़ेगा। एक बात बोलूं, हाथ में आया हुआ तीतर तो फुर हो जाए, जाल में आया हुआ कभी नहीं निकले। जाल बिछाना पड़ेगा। किसी जुर्म में पकड़वा दो। कैसा जुर्म? 3 कोस पर तो मुल्क की सरहद है, सरहद पार से माल लाता हुआ पकड़ा जाए तो? ठीक है, माल हमारा, जुर्म उसका। मगर वो सरहद पार जाएगा कैसे? जाएगा क्यों नहीं, उसे अपने जानवरों से बड़ा मोह है। और मैं उसके जानवरों को उस पार ले जाऊंगा, वापस लेने के लिए तो आएगा ही। ठीक है, कल सुबह तक ये काम हो जाना चाहिए। दुनिया का सूरज उगे, जाबर का सूरज डूब जाए।
कहां से आ रहे हो जावर? जानवर लाने गया था। सरहद पार से? जानवर सरहद नहीं जानते, जिधर हाँक दो वहीं चले जाते हैं। कहां है जानवर? बहुत आगे निकल गए। इंटरेस्टिंग। तुम बंदूक से जानवर हाँकते हो? जी नहीं, जानवर तो आवाज भी सुन लेता है, लेकिन ये बंदूक उन चोरों के लिए ले गया था जो जानवर सरहद पार ले गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवरों के बहाने कुछ और ले आए हो? ओ साहब, कोई अपनी इज्जत पर हाथ डाले मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई शक? तराशी लो इसकी। कोई शक? मगर ये सुनो। रेस्ट हिम। रेस्ट करो उसको। देखिए सर, मैं चलो। जाबर, अब कोई शक नहीं रहा, सब यकीन में बदल गया है। अरे भाई, हम लोग तो तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं, और आज गम गलत भी करेंगे। बोतल सीने की राज खोलेगी और जाम नाचेंगे। एक जाम तुम्हारे नाम का भी पी लेंगे हम। तो फिर एक जाम भैरव सिंह के नाम का भी पी लेना, क्योंकि वो तुम्हारी महफिल में कभी शरीक ना हो सके। क्या बकरे हो तुम? जाम पीने से पहले अपने नन्हे मुन्ने भाई की लाश सरहद पार से उठा लाना। मत बोलो, ये पुलिस स्टेशन है। मगर भाई साहब, चुप। जावर इस वक्त हमारी हिरासत में है। जावर, क्या ये सच है तुमने भैरव सिंह का खून किया है? खून नहीं किया, वो लड़ाई में मारा गया, क्योंकि पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने। कोई शक? ले जाओ इसे। जाबर को पुलिस ने तस्करी के जुर्म में पकड़ लिया। वो अपने जानवर सरहद पार से लाने गया था, उस पर सोना भी थोप दिया और उसके हाथों भैरव सिंह का खून भी हो गया। जाबर के जानवर सरहद पार कौन ले गया? अरे वही तीनों भाई ले गए होंगे, सोना भी साला उन्हीं का होगा, और बेचारे जावर का थैंक यू। इस वक्त जावर कहाँ होगा? हवालात में है, पुलिस उसे जल्दी ही फतेहपुर ले जाने वाली है। उससे पहले तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। घबरा मत तुलसी, फतेहपुर काफी लंबा रास्ता है, रास्ते में बहुत कुछ हो सकता है। क्यों गोपी दादा? थैंक यू।
दादा जाबर चला। ओए शक रंजीत को चिट्ठी लिखवानी है ना? उन्हें मिल जाएगी ये चिट्ठी? क्यों नहीं मिलेगी, तुम लिखवाओ तो। तो लिखो। तुम रंजीत अपने हाथ से लिख दो। वो तो तुम जानती हो। इसके पहले मेरे मैं लिख देती हूँ, मेरे रंजीत, ठीक है? अब बोलो क्या लिखूं? लिखो लिखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। सुकिया चाचा अनाज और दाल भेजते रहते हैं, मुन्ना बहुत अच्छा है, बड़ा हो रहा है, दूध काफी नहीं होता, जमुना मौसी से गाय का दूध लेती हूँ, जब तुम लौटोगे तो उनके पैसे चुका देना। चुका देना, आगे? सुमित्रा भी यही है, स्कूल का सारा काम संभाल लिया है और हमें भी संभाल रही है। मुन्ना तो इतना हिल मिल गया है, जब भी सुमित्रा को देखता है तो उसकी तरफ ऐसे पड़ता है जैसे उसकी बाहें उसे पहचानती हो। लिखो। लिख तो दिया। कहाँ लिखा? अरे बाबा लिख दिया, आगे बोलो। तुम्हें देखने को बहुत जी चाहता है, अपने मुन्ने को देखने नहीं आओगे? देखो मैं पूर्णमासी की रात चंद्रमा को देखती रहूंगी, तुम भी देखना, इस बहाने हम एक दूसरे को देख लेंगे। आरती ले लीजिए। पूजा करके आ रही हैं आप? जी। क्या मांगा भगवान से? वो तो बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। अच्छा, हमें भी देंगे क्या? क्यों नहीं। तो हमें रंजीत सिंह का पता क्यों नहीं दे देते? भगवान तो सिर्फ साधन देते हैं, कर्म तो मनुष्य को खुद ही करना पड़ता है। और उन साधनों में से एक आप भी हैं, आप ही क्यों नहीं रंजीते का पता बता देती? अगर जानती तो जरूर बता देती। आप नहीं जानती तो फिर ये चिट्ठी। ये चिट्ठी तो मैंने बेचारी मोरा के दिल की तसल्ली के लिए ऐसी ही लिखती थी। वो भोली तो ये भी नहीं जानती कि रंजीत बागी हो गया है। लेकिन आपका इस तरह एक बागी का स्कूल चलाना, उसकी बीवी बच्चों की देखभाल करना, ये ठीक लगता है क्या? अगर ठीक नहीं लगता तो करती ही क्यों? लेकिन हमारी तरफ भी तो आपका कुछ फर्ज बनता है। जिस दिन पत्नी धर्म से गिर जाऊंगी मैं जान दे दूंगी। देखिए आप कुछ गलत समझ रही हैं। मेरा मत... आप जो समझा रहे हैं वही समझूंगी ना। ठीक है, यहाँ ये बैठिए और समझ लीजिए। रंजीत सिंह डाकू बन गया है, बहुत खतरनाक डाकू। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है।
आप कुछ भी कहिए, लेकिन रंजीत के लिए मुर्दा शब्द न कहिए। हमारे कहने न कहने से क्या होता है, राजस्थान की सारी पुलिस उसके शिकार पर निकली हुई है। अगर रंजीत अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। तो आप अपने साधनों से उस तक संदेश भिजवा दीजिए कि सुमित्रा उससे मिलकर बात करना चाहती है। वो आएगा? जरूर आएगा। आपकी बात मानेगा? बात तो वो सिर्फ अपनी आत्मा की ही मानेगा, लेकिन मैं उसकी आत्मा को झंझोड़ने की कोशिश करूंगी। ठीक है, लेकिन आप अकेली नहीं जाएंगी, हम भी आपके साथ चलेंगे। सिर्फ आप? सिर्फ। और आपको हमें वचन देना पड़ेगा कि ना ही आप रंजीत के साथ धोखा करेंगे और ना ही उस पर वार करेंगे। सुमित्रा जी, प्यार और विश्वास दो पहिए हैं जिन पर जिंदगी की गाड़ी चलती है। दोनों में से एक भी पहिया उखड़ जाए तो गाड़ी पलट जाती है। मोरा, तू शायद अभी तक जानती नहीं होगी कि रंजीत बागी हो गया है। यही ना? तुम्हें कैसे मालूम? बस्ती के सारे लोग जानते हैं। देखो, मैं ठाकुर साहब के साथ जा रही हूँ, शायद रंजीत से मुलाकात होगी। मैं भी चलूँ? तुम्हारा साथ आना ठीक नहीं होगा। आप लोग कहेंगे तो मैं उनसे मिलूंगी भी नहीं, बस दूर से ही देख के चली आऊंगी। मोरा, तू जानती है अगर मैं तुझे साथ ले जा सकती तो जरूर ले जाती। मैं कोशिश करने जा रही हूँ कि रंजीत वापस आ जाए तेरे पास, अपने मुन्ने के पास। भगवान से मांगो कि मैं कामयाब हो जाऊं। जाओ सुमित्रा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मगर मोरा, हमें जाने कितना समय लग जाए। पूरे जन्म से ज्यादा समय तो नहीं लगेगा ना। कितना साफ और स्वच्छ है ये रेगिस्तान ना? काश इंसानी जिंदगी भी इतनी ही साफ होती। जावर। जी हाँ जावर, फिर एक बार आपके सामने मौजूद। कोई शक? रंजीते का आदमी, शायद इसको आगे भेजा है देखने के लिए कि हम अकेले आए हैं या पुलिस के। गोपी हवलदार। थैंक यू। रेगिस्तान में भी आदमी की भू पहचान लेते हो। एसपी साहब हाथ खाली नहीं है, वरना सलूट जरूर करता। हम भी सलूट का जवाब देते अगर तुमने कानून का साथ छोड़कर बगावत का हाथ न पकड़ा होता। रंजीता कहाँ है? रंजीते। रंजीत सिंह चौधरी कहो एसपी साहब। सुमित्रा जी का हुक्म था, टाल नहीं सका। अपनी हिफाजत के लिए दो रखवाले साथ लाए हो? आप भी तो अपना रखवाला साथ लाए हैं जो इन दोनों से मजबूत है। तुम हमें जाबर की बात याद दिला के हमें नीचा दिखाना चाहते हो? आप गलत समझ रहे हैं एसपी साहब। ऊंचा और नीचा जैसा शब्द तो रंजीत की किताब में ही नहीं है। कानून और शांति जैसे शब्द भी नहीं है। भगवान के लिए शांत हो जाइए, हम यहाँ बात करने आए हैं, झगड़ा नहीं। रंजीत
रंजीत, कैसे हो तुम? मेरी बात छोड़ो सुमित्रा, तुम बस्ती से आई हो, वहां की कोई खबर सुनाओ। वहां की खबर बहुत अच्छी है, मोरा ने तुम्हारी बेटी को जन्म दिया है। बेटा? मुबारक हो, बहुत प्यारा बच्चा है। तुमने उसे देखा है? क्यों नहीं देखा, मोरा रोज स्कूल में मिलती रहती है। रंजीत बहुत प्यारा मुन्ना है। सुंदर है, फिर तो जरूर मोरा पर गया होगा। नहीं रे, थोड़ी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, हल्का इतना है कि जैसे हाथों में फूल उठाया है, और एक बार सीने से लगा लो तो दूर करने को जी नहीं चाहता। बस मित्रा। क्या हुआ? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ सुमित्रा, बच्चे की सुंदरता का बखान तो तुम कर ही चुकी हो, अब मोरा के दुखों की बात करोगी और फिर मुझे अपना रास्ता छोड़कर वापस लौट जाने की जिद करोगी, यही ना? चलो ऐसा ही सही, मगर सच बताओ, तुम्हारा जी नहीं चाहता? अपने मुन्ने को देख लो, उसे अपने सीने से लगा लो, उसका माथा चूम लो, बोलो। मैं इतना पत्थर तो नहीं हूँ। तो फिर छोड़ दो ये रास्ता, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ रंजीत, और किसी के लिए नहीं तो अपने प्यारे मुन्ने के लिए। तो जिस नन्ही सी जान का वास्ता दे रही हो तुम, ऐसी ही नन्ही जानों के लिए तो मैंने बंदूक उठाई है। मैंने आंख खोली तो गुलामी की जंजीर में, लेकिन अब जब आने वाली पीढ़ी होश संभालेगी, मैं इस निजाम को बदल डालूंगा। तुम्हारे अकेले के किए से क्या होगा रंजीत? बरसात की पहली बूंद को तपती हुई जमीन पर गिरकर फना होना ही पड़ता है। रंजीत ऐसा ना कहो, वापस आ जाओ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, इन्होंने मुझसे वादा किया है ये तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे। किसके वादे की बात कर रही हो? एक पुलिस ऑफिसर के, जो ठाकुर भी है। तुम्हें हमारी जात पर हमला करने का कोई हक नहीं है, समझे? मुझे धमकाने की कोशिश मत करो ठाकुर, धरती माँ की गोद में सब बराबर हैं। हम बराबर नहीं थे, अब बराबर हो गए। एक एहसान तुमने हम पे किया था, आज हमने उसका बदला चुका दिया। आज के बाद हम और तुम आमने सामने हैं, दरमियान में कोई भी नहीं है, सुमित्रा जी भी नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं रंजीत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मैं सचमुच डर गया ठाकुर। डरना सीख ही लो रंजीत, क्योंकि आज के बाद मौत तुम्हारा पीछा करेगी। रंजीत सिंह मौत का सामना करने के लिए तैयार है, कर लेना पीछा, लेकिन इस वक्त तुम्हारा बागी जा रहा है। रंजीत, मैं मोरा से क्या कहूंगी? कह देना आंसू कायरों के गहने हैं, आंखें सजाने के लिए कभी आ जाएं तो उन्हें उतार कर फेंक दें। जाबर, ओ जाबर, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मुझे भी साथ ले चलो ना। साथ ले जाऊं और तेरे नाम पे दाग लगा दूं? कल अगर किसी ने कह दिया तुलसी अपने यार के साथ भाग गई, मैं तो उसे जान से मार डालूंगा। और अगर किसी ने कहा कि जाबर डाकू लड़की को भगा ले गया है, तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। तुलसी, दुनिया वालों को तेरे पंजे और मेरी गोली से बचाने का एक ही तरीका है। क्या? मैं तो उससे शादी कर लूं, तेरे बाल बन लूं, कोई शक? जाबर, परसों ही तो मेला है, सभी लोग मेले में जाएंगे, मैं तुझे चुपके से अकेले जाऊंगा। मैंने जादू की ढनी में तेरे लिए जगह भी रखी है। मैं अकेली नहीं रहूंगी जाबर। अरे पगली, मैं आता जाता रहूंगा। नहीं तो क्या मेरे साथ साथ उजाड़ में भटकेगी? हाँ। कब तक? राम का वनवास खत्म होगा तो सीता भी महलों में वापस आ जाएगी।
क्यों नहीं पियोगे मास्टर जी? दादा मेरे कुछ असूल हैं जो मैं तोड़ना नहीं चाहता। अरे मास्टर जी, मैंने तो सुना असूल तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, बसरते बाना खूबसूरत होना चाहिए। अरे रहने दो गोपी दादा, मास्टर जी नहीं मानेंगे। अरे हम तो मास्टर जी के साथ जिंदगी और मौत बांटने को भी तैयार हैं, लेकिन मास्टर जी हमारी खुशी भी नहीं बांटना चाहते। ऐसा मत कहो। क्यों ना कहो मास्टर जी, अपने दिल पे हाथ रखकर कहो, अगर अपने छोटे भाई की शादी होती तो भी तुम नहीं पीते। बोलो। ए जबर खुशक। ओ मास्टर जी थैंक यू। ये लो। हाँ गोपी दादा तुम भी डाल दो। बस 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 पियो। शराब है पीले पीले पीले, शराब है पीले अतरा अतरा, गुलाब है पीले पीले पीले, शराब है पीले अतरा अतरा, गुलाब है पीले पीले पीले। इसके पीने से शायद अच्छा हो, इसके पीने से शायद अच्छा हो, कुछ खराब है पीले पीले पीले, शराब है पीले अतरा अतरा, गुलाब है पीले पीले पीले। कनीज है ये ओ, सर चढ़े जादू जैसी चीज है ये ओ, मुंह लगी एक हंसी कनीज है ये, सर चढ़े जादू जैसी चीज है ये, चीज है ये, चीज है ये। शायरी की शायरी की किताब है पीले कतरा कतरा, गुलाब है पीले पीले पीले। इसके पीने से शायद अच्छा हो, यूं तो सब कुछ खराब है पीले पीले पीले, शराब है पीले कतरा कतरा, गुलाब है पीले पीले पीले। तीन घोड़ों की टापे नजर आ रहे हैं। जी हुकुम। पुष्कर का मेला सफर। घोड़ों के सौदागर तो आने शुरू हो गए होंगे हुकुम। रंजीते का गिरोह बढ़ता जा रहा है, वो मेले में घोड़े खरीदने जरूर आएगा। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है हुकुम।
अब मेले में ही मिलन होगा। जाबर तुलसी, तुलसी, अरे ओ तुलसी, क्या है? वो आ गया है। कौन? जाबर? हाँ। कहाँ है? चौगान के उस तरफ बुलाया है। पूछो तुझसे, ये बाल तू कब तक खुला रखेगी? जब तक तू इन्हें अपने हाथों से नहीं बांधेगा। Thank you.
मैं कसम खाता हूं मालिक, तुलसी की शादी खबर मैंने ठाकरों को नहीं दी, मैं सच कहता हूं। तुलसी की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक्ति सिंह उसकी इज्जत लूटना चाहता था। शक्ति सिंह इस वक्त कहां मिलेगा? जी वहीं, बड़े राजा साहब की हवेली में। नमस्कार ठाकुर साहब। जीते रहो बेटा। क्या बात, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। हमारी परेशानी तो एक ही है ठाकुर साहब, उसका नाम है रंजीता, हर बार हाथ से निकलकर भाग जाता है। फिर कोई तरकीब सोची? उसकी कोई ऐसी कमजोरी मिल जाए जिससे वो खुलकर सामने आए। उसकी कमजोरी तो एक ही है, किसान। तो आप एक काम कीजिए ना, सब जमींदारों से कहकर किसानों को जमीन से बेदखल करवा दीजिए, तब वो जरूर सामने आएगा। सोच लो, कहीं फसाद ना हो जाए। फसाद की जड़ी नहीं रहेगी तो फसाद कैसा। ठीक है, ये मैं आज ही करवा देता हूं। सुखिया चाचा, ये क्या, सारे इलाके के किसान कहाँ जा रहे हैं? तुम सब वापस जाओ, तुम्हें तुम्हारी जमीन भी मिलेगी और घर भी। पानसिंह, हुकुम। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। तो रंजीते को किसानों की खबर मिल गई? खबर भी मिल गई और किसान भी मिल गए, और रंजीता किसानों को जमीन वापस दिलाने के लिए निकल पड़ा है। तो आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। थानेदार साहब को बोला। वो तो छुट्टी पर है हुकुम, उनके बेटे की शादी है ना। तुम्हें
हथियार फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अब तुम्हारे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तमाम बाराती हमारे कब्जे में है। अब पुलिस की तरफ से एक भी गोली चली तो सबको ढेर कर दूंगा। ठहरो, डबल। सबसे पहले गिरेगा तुम्हारा कमीना थानेदार। गोपी दादा, पुलिस की वर्दी लाओ जल्दी। मैं तुझे तेरे ही आदमी से मरवाऊंगा। पहनो से गोपी दादा से वर्दी पहना दो। चल ओढ़ ले कफन। तुमने लोगों से वादा किया है, तुम्हारे पास वक्त कम है। तुमने लोगों से वादा किया है जो तुम्हें निभाना। जाओ मामा। थैंक यू गोपी दादा। सब बही खाते इस चौराहे में जमा कर दो। साहूकार और जिम्मेदारी की चिता आज यहां जलाई जाएगी। मुझे छोड़ दो।
झूठ हो तो सका। जाबर बच्ची की जिंदगी चाहते हो तो आगे मत बढ़ो, हथियार फेंक दो। मैं कदम उठा रही थी। पापों की कचड़ी अपने सर पे उठा, उठा। जूता उतार अपना, दर्ज अपने सर पर रख, रख अपने सर पर। क्यों, कुछ याद आया ठाकुर? तुम्हें क्या याद आएगा? अब चल, अपने कर्मों की जलती हुई चिता को अपनी आंखों से देख, चल। सारी बहुत को बचा मैं कोशिश करूंगा, पीछे से ठीक है ना मास्टर जी? अर्जुन ठीक है, अर्जुन रहे तो ही तो हमारी लड़ाई चलती रहेगी। ये लड़ाई पर नहीं होने देना मास्टर जी। जाबर सिपाही नंबर 306 जाट रेजिमेंट कंपनी
दिस। रंजीत सिंह चौधरी की आंखें शायद मौत भी बंद न कर सकेगी। उसे अपना सपना साकार होते जो देखना है। वक्त की अजनबी रेत शायद उसके कदमों के निशान धुंधले कर दे, मगर उसका सपना कभी धुंधला ना होगा। सपना आजाद धरती के आंगन में खेलती हुई इंसानी मोहब्बत का, बहारों के नगमे गाती हुई इंसानी जिंदगी का। ये सच है कि मौत के बढ़ते हुए साए को जिंदगी रोक नहीं पाती, पर यह भी सच है कि जिंदगी के बढ़ते हुए कारवां को मौत भी कभी रोक नहीं पाती।